हमारी सई जब भी कोई काम करती है ना, बड़े अच्छे से करती है। देखिए, वो फिजियोथेरेपी की पढ़ाई तो कर रही थी और अब एक सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट बन चुकी है, और अपना पहला सेशन उन्होंने लिया विराट के साथ। एंड देखिए, जब पेशेंट कह देना कि उसको आराम है, मतलब डॉक्टर जो है वो अच्छा है। ऐसे सई और विराट एक दूसरे के करीब आए। अब प्यार तो विराट भी करता है सई से, लेकिन इनके बीच जो हुआ था ना, उसमें विराट का प्यार कहीं न कहीं गुम हो गया था। तो लगता है कि वो प्यार फिर से लौट आएगा फिजियोथेरेपी के जरिए। सबको पता है कि वो MBBS कर रही है और एक साल उसने कंप्लीट कर लिया। शी इज डन अ कोर्स आल्सो फिजियोथेरेपी में, शी नोज। जैसे उनकी एक बार पहले मोच भी ठीक करी है सई ने, तो बेसिक यू नो शी इज बेसिकली, तो उस वो फिजियोथेरेपी सेशन दे रही है उनको, उनके हाथ, ताकि बेटर फील करें। अब विराट की हालत पहले से बेहतर तो है, लेकिन उतनी बेहतर नहीं है। फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी और इसकी शुरुआत देखिए घर से ही हो गई। सई ने लिया फिजियोथेरेपी का पहला सेशन। इस पहले सेशन में वो विराट को ठीक करना चाहती है। सई ट्राई टू यू नो बी अ प्रोफेशनल, बिकॉज वो गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी विराट सिंह को। वो ऑलरेडी बहुत गुस्से में थे और पता चला वो गुस्से में सेशन छोड़ देते, तो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। सो शी यू नो डिड नॉट इन्वॉल्व रोमांटिकली, और या उसने परेशान भी नहीं किया उनको। हाँ भाई सही है, पहले ही सेशन में अगर आपने ठीक कर दिया विराट को, तो आगे के सेशन में कैसे करीब आएंगी। फिलहाल हमारी बात मानिए, धीरे धीरे एक एक सेशन होने दीजिए, क्योंकि जितना वक्त आप विराट के साथ रहेंगी ना, उसे आपकी नज़दीकी का एहसास होगा, और हाँ उसका गुस्सा भी तो कम होगा। वो इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो सीरियसली बहुत पेन में थे, और वो इत्तफाकी बात है कि सही नोज दैट जॉब हाउ टू डू, तो वो कर रही है, तो डेफिनेटली कोई बहाना नहीं था, क्योंकि काफ़ी सीरियस यू नो पॉइंट था। सीरियस पॉइंट पे कोई रोमांस नहीं सोचता है। फिलहाल सई का ये सेशन कामयाब रहा, इसका असर विराट पर आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि सई का पहला सेशन कामयाब रहा। अब देखेंगे दूसरे सेशन में ये क्या करती है और उसका असर विराट पर किस तरीके से होता है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।